तो आज का जो विषय है वो है कूलिंग टावर अप्रोच। तो पहले मैं आपको एक तो फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये हो गया कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर, ये हो गया कूलिंग वाटर आउटलेट टेम्परेचर टू कूलिंग टावर, ये हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर, जो एयर एंटर हो रहा है उसका वेट बल्ब टेम्परेचर। तो कूलिंग वाटर का इनलेट टेम्परेचर और जो वाटर आउट हो रहा है उसका टेम्परेचर का डिफरेंस को रेंज कहते हैं। और कूलिंग वाटर का आउटलेट टेम्परेचर और वेट बल्ब जो एयर एंटर हो रहा है उसका वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस को अप्रोच कहते हैं। तो अप्रोच का जो फॉर्मूला है, अप्रोच इज इक्वल टू कूलिंग वाटर आउटलेट टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एंटरिंग एयर, जो एयर एंटर हो रहा है कूलिंग टावर में उसका वेट बल्ब टेम्परेचर। तो अभी एक तो एग्जाम्पल लेके हम लोग देखेंगे कि एक तो कूलिंग टावर को अप्रोच को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो मान लीजिए एक तो कूलिंग टावर में जो कूलिंग वाटर आउट हो रहा है कूलिंग टावर से उसका टेम्परेचर है कितना, 32 डिग्री सेल्सियस, और जो एयर एंटर हो रहा है कूलिंग टावर को उसका टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। तो जो फार्मूला में बताया उसके अनुसार कूलिंग टावर का अप्रोच कितना होगा, अप्रोच इज इक्वल टू 32 माइनस 26 इज इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस। तो अप्रोच जो है ये हो गया 6 डिग्री सेल्सियस। एक तो इम्पोर्टेंट बात, अप्रोच कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, इसीलिए अप्रोच को बोला जाता है कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कूलिंग टावर परफॉर्मेंस। अप्रोच को हम लोग को मैक्सिमम, मतलब कि ये दोनों के अंदर में जो डिस्टेंस है उसको आप मैक्सिमम कितना तक ला पाएंगे, कम कर पाएंगे, 2.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैक्सिमम अप्रोच जो है आप ला पाएंगे 2.8 डिग्री सेल्सियस तक, ये दोनों का डिफरेंस को, कूलिंग वाटर आउटलेट और वेट बल्ब टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसको आप ला पाएंगे 2.8 डिग्री, मतलब कम से कम आप ला पाएंगे, ये दोनों का डिफरेंस को सबसे आप मिनिमम कर पाएंगे, सबसे मिनिमम। अप्रोच जो है वो इंडिकेट करता है कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस को, इसीलिए अप्रोच का वैल्यू जितना कम होगा एक तो कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस उतना हाई होगा, यानी कि एक तो कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस उतना हाई है करके आपको पता चल पाएगा उसका अप्रोच से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में ज़रूर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।